हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास एट्थ हिंदी फर्स्ट 16 चैप्टर सेकंड लेक्चर। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। ओ वर्षा के हर्षित बादल उठ उमड़ गरज, फिर घूमड़ चमक मेरे अरमानों पर बरसो। कवि कहता है कि हे वर्षा के बादल, खुश होकर उमड़ घूमड़ कर चमक कर बरसो, मेरे अरमानों पर बरसो। ओ पावस के पहले बादल उठ उमड़ गरज, फिर घूमड़ चमक मेरे प्राणों पर बरसो। पहले कवि कहता है कि मेरे अरमानों पर बरसो, और फिर कहता है कि घूमड़ चमक। ओ पावस के पहले बादल उठ उमड़ गरज, पावक के पहले बादल उठो और उमड़ गरज कर फिर मेरे प्राणों पर बरसो। सुख की घड़ियों के स्वागत में छंदों पर छंद सजाता हूँ। जब सुख की घड़ियाँ होती हैं बेटा, तो कवि क्या करता है, अपनी कविता लिखता है। कविता में अच्छे अच्छे, आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि जब कोई कवि कविता लिखता है तो वो बहुत अच्छी सीन देखता है, उसके बाद उसी के आधार पर वो कविताएं बनाता है। इसी प्रकार कवि कह रहा है कि जब हमारे सुख की घड़ियाँ होती हैं तो ऐसे मौसम में छंद पे छंद अच्छी अच्छी कविताएं लिखता हूँ, सजाता हूँ, उसमें छंद डालता हूँ और अपने दुख के दर्द भरे गीतों पर कर पछताता हूँ। जब कवि दुख और दर्द भरे गीत लिखता है तो पश्चाताप करता रहता है। जो औरों का आनंद बना वो दुख मुझ पर फिर आए, अपने आप को कष्ट में रखकर लेकिन दूसरों को खुश रखता है, दूसरों की खुशी में खुश होता है। कवि कैसा है, ऐसा है जो औरों को खुशियाँ देता है और दुख मुझ पर फिर आए। जब उस पर दुख आ जाता है तो रस में भीगे दुख के ऊपर मैं सुख का स्वर्ग लुटाता हूँ। ऐसे दुख से दुखी हूँ लेकिन मैं खुद अपना दुख नहीं देखता हूँ और दूसरों के ऊपर सुख लुटाता रहता हूँ। कंठों से फूट ना जो निकले कवि को क्या उस दुख से सुख से। कवि ये कहता है कि कंठों से फूट ना जो कवि को क्या उस दुख से सुख से। कवि जिस समय कविता लिखता है तो वो अपना दुख सुख सब भूलकर दूसरों को सुखी देखता है और ऐसे कविता लिखता है। ओ बारिश के बेखुद बादल, बारिश के बादल को क्या कहा है कवि ने, बेखुद बादल। उठ उमड़ गरज फिर घूमड़ चमक मेरे स्वर कानों पर बरसो। कहते हैं उठो और उमड़ गरज कर घूमड़ चमक कर मेरे स्वर गानों पर बरसो। मेरे जो मैंने कविताएं लिखी है, जो मेरे स्वर हैं उन पर तुम कृपा करो। बरसो मतलब जो कवि कविता लिख रहा है उसमें अच्छा दृष्टिकोण हो। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ बेटा, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये आपका बेटा होमवर्क है, कवि बादलों से कहाँ बरसने की वो कह रहा है और खिलने से पहले क्या झुलस गई, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और बादल किससे बेखुद है। ये आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको बेटा लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।